Hey guys, welcome back to another video of Venomize. आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या बवाल होगा जो कि पिछले एपिसोड में छूट गया था। तो चलिए आज का लाइक इन थोड़ा रख देते हैं हम, ज़्यादा नहीं, 75 लाइक का, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करके सब सही चलेगा। तो लाइक एम कंप्लीट कर देना और चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बजो इस वक्त हाइप कह रही होती है, मेरे बच्चों वक्त आ चुका है अपने सारे के सारे शिकार को इकट्ठा करने का और उन्हें बताने का किस तरीके से हम एक एक को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक एनोमली को तुम्हें हाइप में जोड़ना है और एक को डिस्ट्रॉय करना है। थैनोस माइलर, तुम्हें किट काइजू को यहाँ लेकर के आना होगा। मेरे बेटे विक्टर, तुम्हें यहाँ रह करके मेरी मदद करनी होगी। इसमें कुछ ही वक्त बचा है जिसमें वो सभी यहाँ पर आकर के अपने वेपन्स को हमारे खिलाफ कर देते हैं। और जीन, तुम मेरे साथी रहोगी। तुम्हारे गिफ्ट हमारी पावर को और भी ज्यादा एनहेंस करेंगे। हम उन्हें चुन चुन के मारेंगे और तुम कार्नेज। मेरी चिंता मत करो, मैं वही करना जो मैं बेस्ट करता हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि जीन इस वक्त स्कॉट के साथ एक टेलीपैथिक लिंक बना करके उसे अपनी ओर आने को कह रही होती है। और वहीं हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका को जो कि इस वक्त किट काइजू के कुछ मॉन्स्टर्स के जरिए एक रूफटॉप पर आ जाते हैं और उनके साथ साथ बाकी उनकी टीम भी, और वो तैयार होते हैं, रीग्रुप होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं किस तरीके से जो कुछ भी डीमैन और एज के साथ हुआ वो और किसी के साथ भी यहाँ पर होना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर एल्केमिस्ट में इस वक्त स्कॉट दौड़ते हुए पाकिस्तान के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। स्टीव साइक्लॉप से इस तरह की बातें न करने को कहता है, लेकिन साइक्लॉप कहता है कि जीन वो अभी भी जिंदा है, वो उसी पॉइजन एयरशिप पर है और वो मुझसे कम्युनिकेट कर रही है, मुझे बुला रही है अपनी ओर। तब वैनम उसे समझाने की कोशिश करता है कि जीन जा चुकी है, वो मर चुकी है, लेकिन साइक्लॉप बात नहीं मानता और वो कहता है, क्या पता वो उन पॉइजन की इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही हो, वो उनसे लड़ रही हो, हमें पता भी नहीं हो, बताने की कोशिश कर रही है साइकिक लिंक के जरिए। तब वैनम कहता है कि मैंने पहले भी देखा है ये सब, वो साइकिक लिंक के जरिए और विक्टिम चाहते हैं बस और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें एंटी वैनम को वहाँ पर यूज़ करना ही होगा। तब एंटी वैनम कहता है, नो वे, मैं तुम्हें अपने आप को एक वेपन के तौर पर कन्वर्ट करने नहीं देने वाला। मेरी सिंबियोटिक प्रॉपर्टीज लोगों को मारने के लिए नहीं बनी है, अगर मैं उनको छूटा हूं तो वो उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। मैंने उसकी चीख सुनी है, तुमने भी सुनी है, उसके अंदर एक इंसान था पर मैंने उसे मार दिया उसी वक्त। तभी वैनम उस पर भरकते हुए कहता है, तू बहरा है क्या, तू बहरा है, क्योंकि मैं तुझको बता दे रहा हूँ, जैसे ही जिस किसी ने भी पॉइजन के साथ बॉन्ड किया है वो उसी वक्त मर चुका है। अगर तू गलती से भी सोच रहा है कि पॉइजन के अंदर किसी तरीके का एक ऐसा होस्ट बचा है जो अलाइव है तो पूरी तरीके से गलत है। तब एंटी वैनम कहता है, और मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, किस तरीके से कह रहे हो, लेकिन ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है, तो मैं इसे पूरी तरीके से श्योर होकर के कहने वाला नहीं हूँ। और हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आसपास इस वक्त ग्रेटेस्ट साइंटिफिक माइंड्स हैं इस वर्ल्ड की, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब इस बात को फिगर आउट कर सकते हैं। तब वैनम सीरियस होकर कहता है, मैंने देखा है और मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है, पॉइजंस कलेक्ट कर रहे हैं वेपन्स को, वो भी अलग अलग रियलिटीज में जा करके वहाँ पर कॉन्कर करते हैं, वहाँ के सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को अपने हाइप में जोड़ते हैं और यहाँ आते हैं। तुझे क्या लगता है इस जैसे एक छोटे से बच्चे को जो कि मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है कितना ही वक्त लगेगा उन्हें अपने हाइप में जोड़ने के लिए। और तभी वहाँ पर अचानक से अलार्म बजने लगते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि नीचे में इस वक्त वो पूरी की पूरी भयंकर फाइट चल रही होती है सारे के सारे इन्फेक्टेड्स और कुछ सुपर हीरोज के बीट पॉइजन्स के साथ। और वहीं अब इस वक्त वैनम उन सभी को अपने अपने ऑर्डर्स देता है और एंटी वैनम और साइक्लॉप्स के साथ वो नीचे चला आता है। यहाँ पर इस वक्त कार्नेज और जिमी के बीच काफ़ी तगड़ी फाइट चल रही होती है और तभी आई बॉय के ऊपर एक पॉइजन कंट्रोल कर लेता है और इसी के साथ नाइट कॉलर पूछ रहा होता है कि इन्हें हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तब मैजिक कहती है, यहाँ से दूर, जितनी हो सके उतनी दूर। पर तभी जिमी कार्नेज को कह रहा होता है, तो तू कार्नेज है, चल बच्चों को साइड रखते हैं और बड़ों की तरह बात करते हैं। तब कार्नेज कहता है, जैसा तुम कहो फ्रेंडो, लेकिन तुम जानते हो ना अपना पीछ संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि अचानक से एक पॉइजन आकर के उस पर कंट्रोल कर लेता है और वो कह रहा होता है, इस दुनिया में पूरे वक्त इतना खोया हुआ, इतना अकेला, और जैसे ही माइक जुड़ा अब मुझे एक पर्पस मिल गया है। मैग्नीटो कह रहा था, आई एम सॉरी जिमी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसी के साथ रेक्स भी वहां पर आ जाता है और अचानक से वहां से गायब भी हो जाता है। लुनाला इस बात को देख करके चौंक जाती है, पर अचानक से वहाँ पर कैप्टन की टीम आ जाती है और ये काम किट काइजू ने किया हुआ होता है और वो कहता है कि मैंने डेविल को सेफ जगह भेज दिया है और यही काम मैं बाकी सबके साथ भी करने वाला हूँ। और इसी के साथ कैप्टन उसे अपने आर्टिलरीज को निकालने को कहता है और इसी के साथ वो बहुत ही धासु तीन स्पेसिफिक मॉन्स्टर्स को बुला देता है, गुम, गोमडिला और गोरिल्ला। और कुछ ही वक्त में वहाँ पर एंटी वैनम, साइक्लॉप्स और साथ ही में वैनम भी आ जाते हैं और तब कैप्टन पूछते हैं, स्पाइडरमैन कैन इस बात को लेकर के वैनम के साथ हो। तब स्पाइडी कहता है, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है यहाँ पर। तब वैनम उनको प्लान बताते हैं किस तरीके से इस वक्त स्कॉट को पॉइजन का एक्यूरेट ठिकाना मिल गया और अब हम वहाँ पर जाने वाले हैं। तो दो क्वीन जैसे रेडी होते हैं और दोनों ही निकल जाते हैं पॉइजन हाइप की तरफ और इसी के साथ कार्नेज भी
शिप पर वापस जाने की बात कर ही रहा होता है कि उसके साथ का पॉइजन पार्टनर उसे मना कर देता है, लेकिन अचानक से वहाँ शिप से टकराता हुआ पॉइजन थानोस सर पर आ जाता है और इसी के साथ वो क्विंजेट नीचे गिरने लगता है। दूसरे वाली क्विंजेट से ये सब देख करके स्पाइडी कहता है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तब वेनम कहता है हमें हाइव को तबाह करना होगा, ये ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ कुछ वेब सील्स के जरिए इस क्विंजेट के सारे लोग बच जाते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि अब रियल बैटल शुरू होने ही वाली थी, क्योंकि इस वक्त नीचे खड़ा था पॉइजन थानोस अपने छोटे पॉइजन आर्मी के साथ। अचानक से थानोस को अपने सामने देख एंटी वेनम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है तुम जानते हो क्या, मैं ना किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था जो कि हमारा कभी दोस्त था, पर ये हमारा हरामी कभी भी हमारा दोस्त नहीं था। और इस पर बहुत ही तगड़े तरीके से भड़क जाता है और तब गोलियों की बौछार के साथ जैसे ही उसके पास पहुंचा होता है कई सारे छोटे छोटे पॉइजन उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो कुछ ही सेकेंड में वहाँ से गायब से हो जाते हैं। और वो कहता है आई एम रियली सॉरी बट ये लगता है मेरे चांस से तुम इम्यून हो चुके हो, पर ये बहुत ही ज़्यादा दर्द करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और इसी के साथ थानोस उस पर एक बहुत ही तगड़ा लेजर बीम से अटैक करता है जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है और इसी के साथ बाकी सारे के सारे सुपर हीरोज भी उस पर हमला करने लगते हैं। इन काइजू भी उनकी मदद के लिए कुछ कर रहा होता है और उसके साथ पॉइजन थानोस के सामने वो आप आ जाता है और इसी के साथ उस पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक होता है। पॉइजन थानोस जैसे ही उठ करके देखते हैं तो देखते हैं कि कई सारे अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर उससे लड़ने को तैयार थे और तब पॉइजन थानोस कहता है आखिरकार मॉन्स्टर्स विल बी फ्रीज। यहाँ पर खत्म होते हैं वेनमाइज्ड का एपिसोड 4। इसके बाद एक और एपिसोड बचा है वेनमाइज्ड का, उसके साथ ये वाली पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। अगर इसकी सारी स्टोरी भी कवर करनी है तो आप मुझे जरूर बताना, पर सबसे पहले मेन स्टोरी को खत्म करते हैं और उसके बाद वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए हैं तो धीरे धीरे करके उनको भी कवर करते जाएंगे। वेल देन आफ्टर ऑल दिस थैंक्स फॉर वॉचिंग।